नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेवलपर दुनिया यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इमेज स्लाइडर बनाना सिखाऊंगा, वो भी प्योर जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। आपको उसमें किसी भी प्रकार की जेक्यूरी की लाइब्रेरी या कोई भी प्लगइन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि ये बहुत ही लाइट वेटेड होगी, इससे आपका जो वेब पेज होगा वो भी बहुत जल्दी से रीलोड होगा। तो ये देखिए, और इसमें आपको क्या क्या फंक्शनैलिटी देखने को मिलेगी। एक तो ये ऑटो फेड चेंज होगी, ऑटो फेड इन होगी, और आप इसको कंट्रोल्स भी मिलेंगे जिससे आप इसको नेक्स्ट या प्रीवियस भी कर सकते हैं। तो इसको बनाना सीखते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने ब्राउज़र के अंदर जो हमारे डायरेक्टरी का जो पाथ है वो यहाँ पर ब्राउज कर लिया है, और मैंने index.html फाइल ली है और 3 इमेजेस ली है जो कि हम स्लाइड्स में यूज़ करेंगे। index.html का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख लिया है। अब मैं इसको पहले html लिख के बताऊँगा आपको। तो फ्रेंड, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं कोड आपको पेस्ट करके दिखाऊँगा और मैं आपको समझा दूँगा। मेन काम हमारा जो है वो जावास्क्रिप्ट का है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे देखिए, मैंने कोड पेस्ट कर दिया है, मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे करना है। हमने बॉडी के अंदर एक रैपर नाम के एक क्लास ली है, उस क्लास के अंदर हमने एक आईडी ली है जिसका नाम होगा स्लाइडर। अब स्लाइडर नाम की जो आईडी है उसके अंदर हमने आइटम्स नाम की क्लासेस ले ली हैं। देखिए 1, 2 और 3, इन तीनों के अंदर मैं और बड़ा करके दिखाता हूँ। इन तीनों आइटम्स के अंदर हमने एक img टैग ले लिया है जिसके अंदर हमने इमेज का सोर्स दे दिया है, slide1.png, slide2.png, slide3.png, जो कि हमने अभी रूट में रखी हुई है। और इन्हीं के साथ आपको मीन्स इस स्लाइडर नाम की जो आईडी के अंदर ही आपको एक कंट्रोल्स नाम की एक क्लास बनानी है div के अंदर, और उस div के अंदर आपको लेफ्ट और राइट में जो हमें इमेज को प्रीवियस और नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं उसके लिए हमने यहाँ पे 2 एंकर टैग लिए हैं। इसके एंकर टैग के जो HRF के अंदर जावास्क्रिप्ट वॉइड 0 इसलिए लिखा है जिससे कि हमें क्लिक करके किसी पेज पे रीडायरेक्ट ना हो जाएं। और इसको हमने नेक्स्ट 2 एंकर टैग लिए हैं इसलिए दोनों को अलग अलग क्लास दे दिया है, जिसको लेफ्ट और इसको राइट। और अभी हम किसी भी प्रकार की कोई आइकन्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आइकन की जगह में मैंने यहाँ पे लेफ्ट एरो और यहाँ पे राइट एरो दे दिया है। अब मैं यहाँ पे सेव करूँगा और पेज को करूँगा अपने रीलोड। तो देखिए, अभी इमेजेस शो कर रही हैं और ये यहाँ पे एंकर शो कर रहे हैं लेफ्ट और राइट में जाने के लिए। अब मैं आपको बताऊँगा कि आप इसको CSS जो लिखनी है क्या लिखनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पर, और CSS जो है आप इसको बेटर प्रैक्टिस के लिए कम एक सेपरेट CSS फाइल के अंदर ही लिख कर उसको इस पेज के साथ लिंक करें। मैं अभी यहाँ पे हेडर के अंदर ही स्टाइल टैग के अंदर अभी CSS लिख के बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं जो डिफ़ॉल्ट हमें मार्जिन और पैडिंग मिलता है वो मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे रैपर नाम की जो हमने क्लास ली है उस रैपर नाम की क्लास को यहाँ पे लिखूँगा, और इसकी हाइट दे दूंगा मैं 100 VH, मीन जितनी हमारी स्क्रीन की हाइट है उतनी। अब मैं यहाँ पे रैपर के अंदर जो हमारी आईडी है स्लाइडर नाम की, उसके अंदर आइटम नाम की क्लास है। अब आइटम नाम की क्लास के लिए मैं यहाँ पे लिख लूँगा लाइन हाइट 0, और इसकी मैं डिस्प्ले नन कर दूँगा क्योंकि हम चाहते हैं कि 1x1 इमेज चेंज हो। तो फर्स्ट टाइम हम चाहते हैं कि सारी इमेजेस को हम डिसअपीयर करना चाहते हैं, केवल फर्स्ट इमेज शो करेगी। और आपको यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वाले के अंदर मैंने पहले से ही एक्टिव नाम की क्लास लिखी हुई है, तो आपको मैन्युअली पहली आइटम के अंदर एक्टिव क्लास लिखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ लिख दूँगा आइटम के अंदर अगर एक्टिव क्लास है तो उसकी डिस्प्ले जो होगी वो ब्लॉक रखना, मीन्स अब केवल एक ही इमेज शो करेगी आपको, एक इमेज शो करेगी। उसके बाद मैं यहाँ पे आइटम तक का कहाँ से कॉपी करूँगा, और आइटम के अंदर जो हमारा img जो टैग है उसके अंदर जो इमेज है उसको विड्थ 100% कर दूँगा मैं, क्योंकि अभी उसकी इमेज में 100% विड्थ कर दूँगा, क्योंकि अभी देखिए नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है वो इससे गायब हो जाएगा।
आप स्क्रॉल का स्क्रॉल बार गायब हो गया। अब यहाँ पे जो मैंने आईडी तक का पाथ, ये रैपर फिर आईडी, यहाँ तक मैं कॉपी करके यहाँ लिख दूँगा और इसको पोजीशन दूँगा मैं स्लाइडर नाम की आईडी को, पोजीशन में इसको दूँगा रिलेटिव और दोबारा मैं यहाँ पे लिखूँगा। और उसके बाद जो मैंने यहाँ पे कंट्रोल्स नाम की क्लास दी थी, अब इस कंट्रोल्स को यहाँ पे मैं लिख के इसको पोजीशन दूँगा एब्सोल्यूट और इसको टॉप और लेफ्ट से मैं जीरो कर दूँगा। और इसकी मैं विड्थ और हाइट दूंगा जो कि 100% होगी, विड्थ 100% हो गई और हाइट भी 100 दूंगा मैं। विड्थ हाइट देने के बाद मैं इसको जेड इंडेक्स दूंगा, मैं चाहता हूँ कि सबसे टॉप पर सबसे आगे मीन्स हमारे आइकन नज़र आने चाहिए, तो इसको जेड इंडेक्स 5 दूंगा मैं। अब मैं इस कंट्रोल्स तक का कहाँ से फिर कॉपी करूँगा, मीन्स जो स्लाइडर के अंदर कंट्रोल्स हैं उसके अंदर जो हमारा एंकर टैग है, और एंकर टैग को हम पहले तो डिस्प्ले हम इसको ब्लॉक कर देंगे क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन एलिमेंट होता है। पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट करूँगा मैं एंकर की और टॉप से इसको मैं कर दूँगा 50%। तो अभी टॉप से 50% करूँगा तो मैं पर्टिकुलरली ये वर्टिकल सेंटर नहीं होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करूँगा इसको, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई -50%। अभी पर्टिकुलरली वर्टिकल 100% सेंटर हो जाएगा। और मैं यहाँ पे पहले और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको कलर दूँगा जो हमने एरो लिए थे जो कि आइकन के यूज आइकन का काम करेंगे, यहाँ पे उसको कलर दूंगा मैं यहाँ पे वाइट। और टेक्स्ट डेकोरेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमने एंकर टैग लिया है तो उसकी जो अंदर जो अंडरलाइन होती है वो अंडरलाइन शो नहीं देखना चाहते हम। और इसकी विड्थ कर दूंगा मैं एंकर टैग की 50px और हाइट भी कर दूंगा 50px। 50px कर दी हाइट और विड्थ। अब मैं इसको बैकग्राउंड का कलर दूंगा, बैकग्राउंड कलर मैं इसको रेड दे दूंगा। और अगर आप चाहो तो इसको बॉर्डर रेडियस कर सकते हो, मीन साइड से कॉर्नर जो होंगे उसको थोड़े कर्व हो जाएंगे। उसके बाद जो हमने पहले मैं अभी आपको इतना ही दिखा देता हूँ, तो देखिए ये जो आ गए हैं, अब मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। तो देखिए जो एंकर है ये वर्टिकल सेंटर चाहते हैं हम इसको, तो हमने जितनी हाइट इस बॉक्स को दी है मीन्स 50px तो उतनी ही हम इसको लाइन हाइट भी देंगे 50px। और मैं इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूँगा जिससे कि आइकन जो है वो सेंटर में आ जाएंगे। देखिए इतना करने के बाद मैं इसको फॉन्ट साइज भी दे दूँगा, फॉन्ट साइज दूँगा 2em, 2am दिया। अब देखिए अच्छे से बड़े से दिख रहे हैं। और अब मैं इसको 100% विड्थ कर देता हूँ, पहले ये 100% विड्थ में आ गए हैं। अब अभी क्या हो रहा है कि दोनों जो एंकर टैग हैं वो एक के ऊपर एक आ रहे हैं, तो उसको उसका सॉल्यूशन ये है कि एंकर यहाँ तक का कॉपी करूँगा मैं यहाँ पे और लेफ्ट, तो एंकर के अंदर जो लेफ्ट नाम की जो हमने क्लास ली थी, देखिए लेफ्ट और राइट, इसको मैं लेफ्ट वाले को लेफ्ट से 50px करूंगा। और राइट वाले को राइट से 50px करूंगा। अब मैं यहाँ पे रीलोड करूंगा, तो देखिए राइट और लेफ्ट वाला आइकन अच्छे से दिख रहा है। तो हमारा जो डिज़ाइन से रिलेटेड जो काम था और HTML से रिलेटेड काम था वो मैंने इस वीडियो में आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको जावास्क्रिप्ट से डेवलप करके दिखाऊंगा कि कैसे ये इमेज ऑटो स्लाइड होगी और कैसे ही कंट्रोल के हिसाब से कंट्रोल के क्लिक पे इमेज ऑटो चेंज होगी, सॉरी कंट्रोल के क्लिक पे इमेज चेंज होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही,
अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई सवाल है तो इस नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलता हूँ नई वीडियो में इसके नए अगले भाग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।